और जो अभी जो तंत्र आप देख रहे हैं बेसिकली इट्स यू कैन से लाइक स्क्रिप्टेड तंत्र, कुछ स्टोरीज सम बुक्स से लेकर क्यों करो वो पता होना चाहिए, इससे होगा क्या. व्हेन दे आर बिल्डिंग समथिंग दे आर नॉट बिकॉज ऑफ द मनी, दे डोंट वांट टू स्पेंड, दे डोंट वांट टू गिव द मनी टू द वास्तु एक्सपर्ट कि कौन सा चीज कहाँ होना चाहिए कहाँ नहीं होना चाहिए. एंड दैट इफेक्ट्स इन आवर लाइफ, द एनर्जी इफेक्ट्स बेसिकली. व्हेन आई स्टार्ट चैंटिंग द मंत्र एंड आई टेल टू माय शक्ति टू कॉल हर, कॉल हिम राइट नाउ, एंड इन अ फ्रिक्शन ऑफ सेकंड ही एंटर्स इन हर बॉडी. देयर इज नो शक्ति एंड देयर इज नो शिवा. नॉलेज इज नथिंग विदाउट द प्रैक्टिकल थिंग्स, बिकॉज व्हाट दे विल टेल यू ये है ही नहीं, देयर इज नो स्पिरिट, कुछ होता नहीं है. हम काफी टाइम से चर्चा कर रहे हैं कि तंत्रा के बारे में कुछ पॉडकास्ट शुरू करें, ताकि आजकल इंटरनेट का जमाना है, इंटरनेट में काफी कुछ तंत्रा के बारे में काफी कुछ वीडियोस आ रहे हैं, डिफरेंट पीपल आर टॉकिंग अबाउट, काफी टॉपिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, डिफरेंट तंत्रा प्रैक्टिसेस के बारे में बात कर रहे हैं, काफी हॉरर एक्सपीरियंसेस के बारे में बात कर रहे हैं, हॉरर स्टोरीज के बारे में बात कर रहे हैं, काफी पद्धतियां के बारे में बात कर रहे हैं. तो हमने सोचा कि एक तंत्रा प्रैक्टिस और तंत्रा जर्नी के बारे में एक पॉडकास्ट का सीरीज शुरू करें, ताकि करेक्ट नॉलेज और राइट इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचे एंड वो लोग उसको फॉलो करें एंड वो लोग को डिफरेंट एस्पेक्ट के बारे में, तंत्रा के डिफरेंट एस्पेक्ट के बारे में एक्सप्लेन करें. तो ये पर्पस है. मेरे साथ आज जुड़ा है मेरा गुरु तंत्रा का, इनका नाम है नितिन. हिमालय में काफी साल रहा है, 15-20 साल, एंड डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ तंत्रा सीखा है इन्होंने, एंड ही इज टीचिंग मोर देन 500 स्टूडेंट्स. इन सोशल मीडिया में भी काफी एक्टिव रहते हैं. तो नितिन जी, लेट्स स्टार्ट द पॉडकास्ट. Om Kali Santosh, and I'm very happy, I will say something in English, then I will start, in Hindi to explain something. The priority nowadays about the Tantra, people are very curious about the Tantra nowadays, and Tantra is everywhere. Wherever you are going on a spiritual destinations in India, especially, and all over the world, people want to know because they are feeling so attracted about with the name also, the Tantra. So, and my purpose to came back in the society from the Himalaya, just like you mentioned, the purpose to purify, clear the pollution. Nowadays, the Tantra is very polluted in this era because we are in the black era. And that's why I'm agree here to share my experiences. And in this era, what is exactly the real Tantra? Means how you can understand, because the layman, who is very busy in their life, they are not ready. They are not ready for the Vedas knowledge. They are not ready for the Upanishads. They are not ready for the Puranas. They are not ready for the Shastras. Even they don't know how to pronounce the mantra in Sanskrit language. So how the layman can understand the real depth and aspect about the Tantra in their daily life, and how they can connect with the right practices to change your life and manifest your life in a right way. And that is our purpose here. And that's why you're also in this journey with me. And we will purify the pollution of the Tantra from this world with our exact knowledge, whatever we receive from our lineage. Because I belong to the Himalayan Shakti Tantra, the Siddhnan lineage. And I just want to give that knowledge about the Nathas in the world and how we came in this topic and why we are so keen to connect in the Tantra. So, Nitin ji, ek basic sawal puchna hai Tantra ke baare mein. Hum log sab log Tantra to bol dete hain, but logon ko samjhana hai ki different types of Tantra kya hai, ya different branches hai, different paddhatiyan hai. एक थोड़ा सा रोशनी डाल देंगे तो अच्छा है. सो तंत्रा जो है, देखो सृष्टि जो है अनंत है, शुरू से इट्स नेवर एंडिंग प्रोसेस. लेकिन हम ज्यादा पीछे नहीं जाएंगे कि 10,000 साल से तंत्रा है, 5,000 ईयर से तंत्रा है.
आई टेक यू टू द ओरिजन इन दिस एरा व्हेन द तंत्र स्टार्ट, कि तंत्र कहां से स्टार्ट हुआ, बेसिकली दिस कॉन्सेप्ट कैसे आया. इन द ऑलमोस्ट 7th century में जो तंत्र था इट वॉज इन अ बूम, कि तंत्र की प्रैक्टिस की जाती थी अराउंड 7th century इन द नाथ संप्रदाय व्हेन मच्छिंद्र नाथ गोरखनाथ व्हेन दे केम. लेकिन धीरे 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 अदर रिलीजियस प्रैक्टिस ऑल्सो मिक्स इन द फॉर्म ऑफ एग्जाम्पल द मुस्लिम तंत्र इट मिक्स नाउ इन द फॉर्म ऑफ क्रिश्चियनिटी एट दैट टाइम केम. सो क्रिश्चियनिटी ऑल्सो मिक्स विद हिंदुइज्म एंड इन द हिंदू तंत्र. सो ना संप्रदाय सो दैट कि ये तो सब मिक्स हो गया कि अब डिफरेंस करना ही मुश्किल हो गया कि राइट प्रैक्टिस कौन सी है, कि डीमन प्रैक्टिस व्हाट इज द डीमन प्रैक्टिस एंड द डेमिगॉड प्रैक्टिस. तो गोरखनाथ जी ने उसको प्यूरिफाई करने के लिए एक लीनेज तैयार किया एंड दैट इज कॉल्ड द टू ब्रांचेस द गुरु दत्तात्रेय एंड मच्छिंद्रनाथ फ्रॉम द शिवा. जस्ट लाइक एग्जाम्पल हेयर इज द शिवा द आदि शिवा एंड देयर इज अ टू ब्रांचेस कम्स गुरु दत्तात्रेय एंड मच्छिंद्रनाथ इन दिस एंड दे प्यूरिफाई द तंत्र टू डिवाइडेड द अनप्यूरिफाइड कनेक्शन विद द मुस्लिम तंत्र एंड क्रिश्चियनिटी एट दैट टाइम. उसके बाद जब ये डिवाइड हुआ उन्होंने कुछ प्रैक्टिस उसमें डाली अराउंड 10th century में. 10th और 11th century में गोरखनाथ जी ने उसको एस्टेब्लिश किया दोबारा इन अ राइट फॉर्म. लेकिन उस टाइम पे ये बुद्धिस्ट तंत्र जैन तंत्र केरला तंत्र डिफरेंट जो ब्रांचेस अभी हैं कश्मीरी तंत्र ये उस टाइम पे नहीं थी. उस टाइम पे द नाथ संप्रदाय फॉलो द तांत्रिक प्रैक्टिसेस मींस टेक्निक बेसिकली डिपेंड्स ऑन द साइंस ऑफ आयुर्वेद एलिमेंट नॉलेज न्यूमोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी. उनके पास इन तीनों चीजों का पूरा ज्ञान था. उनके बाद जो उनके शिष्य गुरु शिष्य संप्रदाय वी कॉल्ड द गुरु शिष्य संप्रदाय, कि गुरु से नॉलेज लिया शिष्य ने देन ही बिकम द गुरु देन ही ट्रांसफर द नॉलेज टू द अनदर शिष्य. ऐसे ही नॉलेज को ट्रांसफर किया गया ना संप्रदाय में. लेकिन उसके बाद जो 84 सिद्धांत हुए 9 naths then 84 siddhas guru, because tantra में जो जनक माना जाता है कि जो father of tantra is guru dattatreya the incarnation of brahma vishnu and mahesha. आप जब भी तंत्र को पढ़ेंगे आप उनके बारे में जरूर पढ़ेंगे कि उन्होंने जो invention की है तंत्र में मंत्र में यंत्र में उनकी जो invention है उनका जो support है तंत्र को लेकर वो बिल्कुल डिफरेंट है. और जो अभी जो तंत्र आप देख रहे हैं बेसिकली इट्स यू कैन से लाइक स्क्रिप्टेड तंत्र, कुछ स्टोरीज सम बुक से लेकर उसको तंत्र का रूप दे दिया गया. जैसे आप कोई मूवी देख रहे हैं और आपको अच्छा लग रहा है, क्यूरियोसिटी हो रही है, सस्पेंस आ रहा है, सीक्रेसी है, ऐसा नहीं है. तंत्र इज द साइंस ऑफ योर लाइफ एंड तंत्र कैन चेंज एनीथिंग एंड इन दिस एरा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ऐसा नहीं कि ये वेदास से पहले नहीं था, इट्स अ पार्ट ऑफ द वेदास बट द वर्ड इज नॉट मेंशन इन द वेदास द तंत्र, बट फियर्स प्रैक्टिस उसमें भी है. उसको जब हमने आगम शास्त्र में लिया, निगम शास्त्र और आगम शास्त्र, निगम बिलोंग्स टू द वेदास, आगम बिलोंग्स टू द तंत्र, द कन्वर्सेशन बिटवीन शिव शक्ति. अब आपको अभी कई सारी वीडियोस में देखता हूं कि वो कहते हैं कि तंत्र यहां से आया तंत्र वहां से आया, आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट, बट द फाउंडर ऑफ द तंत्र इज शिवा एंड शक्ति द रूट. उसके बाद जिसके पास तंत्र गया उनके डिवोटीज के पास, उसके बाद उसका इंडिविजुअल नेम हो गया. जैसे रावण का अपना एक तंत्र था रावण तंत्र. अब मैंने उस पर बहुत स्टडी किया है रावण के ऊपर, बिकॉज फ्रॉम माई चाइल्डहुड आई वॉज वेरी क्यूरियस अबाउट द रावण. तो जब भी मैं उसको सुनता था कि वो शिव का बहुत बड़ा भगत है एंड ही हैज अनलिमिटेड पावर्स, तो उसको पावर्स कैसे मिली, सो आई वॉज ऑलवेज रीडिंग अबाउट द रावण.
और उसने 13 बुक्स डिवाइन बुक्स को इन्वेंट किया, 13 बुक्स जिसमें से चार मैंने पढ़ी हैं, वो इनक्रेडिबल है, इनक्रेडिबल नॉलेज थी उसके पास, इनक्रेडिबल कंट्रोल था। अभी मैं कुछ एक रील पढ़ रहा था, द रील वॉज कमिंग एंड द समवन इज मेंशनिंग द इंद्रजाल गिवन बाय द इंद्रा एंड दैट इज नॉट ट्रू, द इंद्रजाल ऑल्सो गिवन बाय द रावणा, रावण के द्वारा ही इंद्रजाल की जो स्थापना की गई है उसके अंदर जो रेमेडीज बताई गई हैं, जो तंत्र के उपाय बताए गए हैं, वो रावण के द्वारा दिए गए हैं, ना कि इंद्र के द्वारा। इंद्र के द्वारा उसका कोई भी इन्वेंशन नहीं हुआ, और इंद्र के पास वो शक्ति भी नहीं है, इंद्रदेव के पास वो शक्ति नहीं है कि वो उस तंत्र के बारे में बता सके, क्योंकि वो ऑलवेज अपने गुरु बृहस्पति और उनके गुरु शिव उन्हीं के पास जाते हैं जब भी उनको कोई जरूरत होती है, द स्टोरीज इन द पुराणस। अब जो डाइवर्जन है तंत्र का, जैन बुद्धिज्म और जो डिफरेंट डिफरेंट तंत्र शुरू हो गए हैं, मुस्लिम तंत्र जिसको हम सुलेमानी तंत्र के नाम से जानते हैं, ये जो डाइवर्जन है ये इंडिविजुअल है, बेस्ड ऑन द रिलीजन। तंत्र इज नॉट बेस्ड ऑन द रिलीजन, इट इज नॉट, तंत्र बेस्ड इंडिविजुअली, इट्स आइडियोलॉजी एक्चुअली, ये आइडियोलॉजी है। व्हाट यू वांट इन योर लाइफ यू कैन गेट थ्रू द तंत्र, और इट डिपेंड्स हाउ यू वांट। तीन तरीके के गुण हैं, सत तम रज, और जैसी आपकी प्रकृति है वैसा ही तंत्र आपको अट्रैक्ट करेगा। अगर आप सत्वगुणी हैं तो आपको सत्वगुणी अच्छा लगेगा, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि वो गलत कर रहे हैं। जो डाइवर्सिटी है अभी, जो आदि शंकराचार्य जी के टाइम पर भी हुई, सो वैष्णव संप्रदाय के थ्रू की, दिस इज नॉट अ राइट प्रैक्टिस बिकॉज दे आर यूजिंग द तमस प्रैक्टिस, बट इट इज नॉट लाइक दैट, नथिंग इज राइट एंड रॉन्ग, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन एट दैट टाइम, कि उस समय की जो जरूरत है हमें वो काम करना है, एंड उसमें कोई सिन नहीं होने वाला। सो तंत्र बेसिकली कम फ्रॉम द शिव शक्ति, एंड देन शिव शक्ति ट्रांसफर टू देयर डिवोटीज, एंड देन द डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस केम्स इन द सोसाइटी इन दिस एरा नाउ, एंड इट्स इंडिविजुअली, कुछ तो संप्रदाय से चल रहे हैं, कुछ इंडिविजुअली ही सीख लिया। आपने मुझसे एक साल तंत्र सीखा और आपने अपना ही कुछ नया नेम देकर तंत्र बना दिया, आने वाले 10 सालों में अगर आप फेमस हो गए तो लोग कहेंगे कि संतोष जी के द्वारा एक तंत्र का इन्वेंशन हुआ था, ही इज द फाउंडर ऑफ दिस पर्टिकुलर तंत्र, और इससे ये प्रैक्टिस बेनिफिट्स होंगे जो आपने मेंशन कर दिए, आपने अपने अनुभव से बताए थे। तो वो जो डाइवर्जन हो गया वो आज हो गया, एंड मोस्टली प्रैक्टिस दैट आई सो इन सम टेम्पल्स एंड इंडिविजुअली ऑल्सो इन द नेम ऑफ तंत्र, इट इज कंप्लीटली रॉन्ग, दैट आई नेवर सो इन माई जर्नी ऑफ रिसर्च, बिकॉज आई एम नॉट अ डिवोटी, मैं डिवोटी नहीं हूं, मैं रिसर्च कर रहा हूं, मैंने अध्ययन किया कि एग्जैक्टली है क्या, ये क्यों ऐसा हो रहा है, और इसको इतना फियर्स क्यों बना दिया, इसको वुडू से कनेक्ट करा दिया, इसको ब्लैक मैजिक से कनेक्ट कर दिया है आज इन द नेम ऑफ तंत्र। तंत्र इज द लाइफ स्टाइल दैट यू कैरी, और बिना तंत्र के कुछ भी नहीं, कुछ भी मतलब आप कुछ भी सोच नहीं सकते। जैसे राजतंत्र है, डेमोक्रेसी है, ये भी तंत्र के, आयुर्वेद के अंदर पाचन तंत्र, सब कुछ तंत्र है, लेकिन इट्स अ इंडिविजुअल आइडियोलॉजी रिलेटेड टू दैट। सो 7 सेंचुरी से स्टार्ट होकर उसके बाद नाथ इंडिविजुअली इसको डाइवर्जन देते गए, और इस 21 सेंचुरी में आ गया, ऑलमोस्ट 1700s और 2000 ईयर्स ओल्ड जिसका रिकॉर्ड है हमारे पास, अभी बुक्स में रिटन है, हैंड रिटन। उसके पीछे मैं जाना नहीं चाहता कि उसके बाद तो फिक्शन हो जाएगा कि वो रिकॉर्ड नहीं था, फिर वो फिक्शंस और फिलोसफी की तरफ चले जाएंगे, दैट इज नॉट राइट। सो आज के जमाने में काफी नाम में तंत्र जाना जाता है, आपने बोला कि डिफरेंट अप्रोचेस हैं तंत्र के, तो प्राइमरली कौन सा आज के जमाने में सबसे ज्यादा प्रैक्टिस बेसिकली इन दिस एरा पीपल आर फोकसिंग इन द फॉर्म ऑफ तंत्र, वो दे जस्ट वॉन्ट टू फुलफिल देयर डिजायर, दैट इज कॉल्ड सकाम भक्ति, टू फुलफिल द डिजायर ओनली एंड गेटिंग सम सिद्धि सम पावर्स, उनको कुछ शक्तियां चाहिए, सिद्धियां चाहिए,
जो मेन पॉइंट्स हैं इन आवर कंट्री, इन दिस भारत, इन दिस इंडिया, लाइक कामाख्या. कामाख्या इज द प्लेस वेयर तंत्रा बोर्न एंड द तारापीठ वेयर तंत्रा ग्रोज, जहां पर वो बड़ा हुआ. इसको कामरूप कहा जाता था. मत्स्येंद्रनाथ जी की कथा में भी इसका वर्णन आता है, जब वो कामरूप गए और उन्होंने 12 वर्ष वहां अपने बिताए और वहां तंत्र की प्रैक्टिस, एक्चुअली वो तंत्र की प्रैक्टिस कर रही थी, लेकिन नॉलेज ना होने की वजह से और उसको इतना डाइवर्जन कर दिया कि उन्होंने जाके स्त्री के साथ 12 वर्ष संबंध बनाया, तो गोरखनाथ जी गए, उन्होंने अपने गुरु को छुड़ाया. दैट इज द नॉट राइट एस्पेक्ट. कुछ शक्तियां आपको स्त्री के द्वारा प्राप्त होती, शक्ति के द्वारा, जैसे शिव को अपनी शक्ति से, वागेश्वरी से मिली, राजेश्वरी, रजोश्वरी. जो ये पॉइंट्स हैं कामाख्या एंड तारापीठ, दे आर सिद्धिदात्रीज. सिद्धि मीन्स इन अ वन डे दे कैन गिव यू द सिद्धिज, द परफेक्शन इन योर प्रैक्टिस. जो काम एक साल में होता है वो वहां एक दिन में होता है, इसलिए वो बहुत पावरफुल प्लेसेस हैं. तो इन जगहों की, और ना संप्रदाय में आप जाएंगे, सो गिरनार एंड कैलाश, दीज आर द टू प्लेसेस वेयर यू कैन गेट द पावर्स इंस्टेंट. If someone want to learn tantra or want to know the real tantra, first they need to connect with the right lineage. उसका background देखना बहुत जरूरी है, उसका गुरु परंपरा कहाँ से आ रहा है. जैसे कीनाराम बाबा इन काशी विश्वनाथ अघोर संप्रदाय, मास्टर रामकृष्ण परमहंस दक्षिणेश्वरी संप्रदाय, दक्षिण कुला. These are the masters who invoke the Shakti in this era. अब रावण ने उस समय क्या किया, we don't know. Books में पता है, लेकिन ये अभी era में हो रहा है. 50 years ago, 70 years ago, they were here. रामकृष्ण परमहंस, कीनाराम बाबा, वो यहां पर थे. ना संप्रदाय में, गुरु दत्तात्रेय के बाद जो लीनेज आई, मत्स्येंद्रनाथ जी के बाद जो लीनेज आई, इनसे when you connected, then you can understand the real aspect of tantra. नहीं तो आप नहीं जा पाएंगे. आपको सिर्फ डाइवर्सिटी दिखेगी और आपको इल्यूजन दिखेगा कि एक्चुअली में है क्या और मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, जो आज के सबके मन में क्वेश्चन रहता है तंत्र से रिलेटेड. व्हेन यू कनेक्टिंग विद द राइट लीनेज, दे विल गिव यू द बेस. वो कुछ हवा में बात नहीं करेंगे, जाओ ये कर लो, क्यों करो वो पता होना चाहिए, इससे होगा क्या, एलिमेंट का नॉलेज कैसे मिले. सो दीज आर द फोर पॉइंट्स, द गिरनार, कैलाशा, कामाख्या एंड तारापीठ. दीज आर द फोर प्लेसेस. और जितने भी आपको साधक दिखेंगे यहीं से दिखेंगे. आप जिनका भी हिस्ट्री चेक करोगे वो सब वहीं से आए हैं. इवन द कीनाराम बाबा, इवन द रामकृष्ण परमहंस, वो भी असम से, उनका जो प्रैक्टिस शुरू हुआ, उनके बाद में जो गुरु हुए, फिर सन्यासी गुरु हुए. सो इनके रूट में जाएंगे तो ये सब उन्हीं चार जगहों से आ रहे हैं, जितने भी हैं, चाहे वो मत्स्येंद्रनाथ हो, उनके बाद नवनाथ हो, उनके बाद 84 सिद्धांत हो, चाहे वो मेरे ईस्ट, वो भी कैलाश से, बावलकनाथ जी एंड उनके गुरु गुरु दत्तात्रेय गिरनार से. सो दीज आर द फोर प्लेसेस वेयर यू कैन फाउंड द रियल तंत्र, रियल प्रैक्टिस. बट विदाउट द गुरु, इफ यू गोइंग देयर, यू गेट पजल्ड, इल्यूजनेट कि क्या हो रहा है, ये क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं. वंस यू विजिट विद मी द कामाख्या एंड यू सो व्हाट काइंड ऑफ प्रैक्टिस दे आर डूइंग, तो वहां पर यू कैन गो अलोन. You need to go with your master who knows. और उसने वो इन्वॉक किया हुआ है. ऐसा नहीं कि एक साल प्रैक्टिस किया, कुछ बुक से पढ़ लिया और देन स्टार्टिंग द टीचिंग. नो, ही हैज टू वर्क 12 इयर्स मिनिमम. देन, क्योंकि वो इन्वॉक होएगा ही नहीं, बिकॉज द जुपिटर जो गुरु है उसका सर्कल 12 इयर्स में खत्म होता है. सो 12 इयर्स यू नीड टू प्रैक्टिस मिनिमम टू इन्वॉक द गुरु इन साइड, नॉट आउटसाइड. जब तक वो इन्वॉक ही नहीं होगा, वो सर्कल पूरा नहीं होगा अर्थ एलिमेंट का, यू कैन नॉट फील इन दैट वे और यू आर नॉट एलिजिबल टू टीच ऑल्सो. यू हैव टू इन्वॉक द गुरु इन साइड, इन द फॉर्म ऑफ शिवा, इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल बॉडी. वन वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन, यू हैव एक्सप्लेन दैट तंत्र इज अ लाइफस्टाइल. हाउएवर फॉर द मेजॉरिटी, Tantra is still one of the spiritual practices that are available. So, like
yoga is a spiritual practice, meditation is a spiritual practice, one of the spiritual practices. Bhakti is another spiritual practice, and Tantra is also we are considering as spiritual practice. So for a moment, let us just assume, for the understanding of the masses, that, Tantra is also a spiritual branch. So in this context, how Tantra is different from other practices? Okay. So there is a, you mentioned that the love devotion is the spiritual practice. So basically, in the English language, there is no right word, adhyatma. The right word is adhyatma, means who practicing the self-realization. That's adhyatma. Adhyatma, atma ka adhyan karna. Or a spiritual jo word hai, but it's very common in discussions. That's why we are using spiritual, but it's not a right word. Spiritual means who learning about the spirits. Spiritual. जो स्पिरिट्स के बारे में जान रहा है, तो जो एक्सपेक्ट है, तंत्र इज कंप्लीटली ऑपोजिट. तंत्र आपको नहीं सिखा रहा है मंदिर में जाके हाथ जोड़ना, तंत्र आपको नहीं कह रहा है कि वहां पर जाके ये प्रसाद चढ़ाओगे तो कुछ काम होगा. तंत्र आपको इन सब के बारे में नहीं कह रहा, क्योंकि वो भावात्मक नहीं है, वो भावना से नहीं किया जाएगा, मानने से नहीं होता कि मैंने मान लिया कि वो क्रियात्मक है, वो क्रिया से होता है, आपको क्रिया करना पड़ेगा. तंत्र हमें क्या सिखा रहा है, द प्रैक्टिकल लर्निंग, नॉट अ फिलोसफी. जितना भी प्रैक्टिस है रेदर देन द तंत्र, वो सब फिलोसफी बेस्ड है. यू हैव अ लिमिट, योर बॉडी हैज अ लिमिट, वन डे योर बॉडी विल डाई. तो हमें शॉर्ट ड्यूरेशन में सारे काम करने, और वो सिर्फ तंत्र के थ्रू ही हो सकते हैं, बिकॉज तंत्र गिविंग यू दैट टेक्निक टू डू थिंग्स प्रैक्टिकली बाय योर सेल्फ. डोंट डिपेंड ऑन एनीथिंग, even not on the Shiva Shakti. You don't need to depend in. Tantra never teaches to depend on the Shiva Shakti. Unko bula lo niche. Mera kaam karke do. Maine kar diya iske liye. The Ravan is telling, not egoistic way. Because humne kriya kiya. Ravan kehta hai ki maine kaam kar diya, mere ko do. Kyunki mere ko chahiye. Isliye Ravan ne wo powers liya. Aur Ravan ko aam aadmi nahi maar paya. Bhagwan ko aana pada. Shri Ram. The incarnation of Vishnu Narayan. To Tantra se you can get that power. कि यू कैन सी द डिफरेंस. और जो मेडिटेशन है, योग है, प्राणायाम है, दीज आर द प्रैक्टिस टू फिक्स योर फिजिकल, मेंटल एंड एनर्जेटिकल प्रॉब्लम्स. वेद नहीं कह रहा है कि ध्यान से आप अपनी आत्मा को जान सकते हो, वो डिनाई कर रहा है. वो कह रहा है कि इट कुड बी हेल्पफुल, बट इट्स नॉट मेंशनिंग यू कैन गेट. लेकिन थ्रू द प्रैक्टिस ऑफ द तंत्र यू कैन गेट, इट्स मेंशन्ड इन द मंत्र ऑफ अ शक्ति. देहि सौभाग्य आरोग्यम, देहि मे परमम सुखम, रूपम देहि, जयम देहि, यशो देहि, दिशो जहि, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमः. द प्रैक्टिकल थिंग इज वी आर वर्किंग ऑन द प्रैक्टिकल थिंग्स. कोई आया आपने ऐसे नहीं कह दिया तेरा काम हो जाएगा, ऐसे कैसे हो जाएगा, यू नीड टू डू समथिंग फॉर दैट. एंड तंत्र टीचर्स टू डू प्रैक्टिकल. जो शिवा कहते हैं, शिवा नेवर मेंशंस की थ्योरी में, वो उमा को कह रहे हैं कि उमा the practical, I believe in the practical things. I don't believe in the knowledge only. Knowledge is nothing without the practical things. So tantra is like a spiritual scientific, just like a scientific practice. कि मैंने वो क्रिया किया और उसको बुलाया, उस particular energy को मैंने बुलाया और उससे अपना काम करवाया. जैसे sun सुबह उठा, सूर्य, उसके बाद रोशनी आई, वो दिख रही है. अब आंख बंद करो, रात को सूर्य उग रहा है, रोशनी हो रही है, ऐसा तो नहीं हो रहा. यहां पर यू हैव टू सी द बैलेंस बिटवीन योर फिजिकल बॉडी एंड स्पिरिचुअल बॉडीज, एनर्जेटिकल बॉडी बेसिकली. वो ऐसा आपको सिखाया नहीं गया. आपको क्या सिखाया गया, स्पेशली इन आवर कंट्री, व्हाट वी लर्न फ्रॉम आवर चाइल्डहुड. फादर मदर गए, हाथ पकड़ा, मंदिर में ले गए, सुबह नहा धुला के, नहाने से पहले, मंदिर में पूजा से पहले नहीं खाना है आपको, आपको ऐसा बोला गया है. मंदिर में पूजा के बाद ही खाना खाओगे आप. फिर आपको मंदिर ले गए, वहां पर 5-6 मूर्ति लगी हुई हैं, जिसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा लगा के भगवान स्थापित करेंगे. फिर आपको सबके आगे हाथ जोड़ना सिखाया. यू ऑलरेडी बिकम द स्लेव फ्रॉम योर चाइल्डहुड. आप स्लेव बन चुके हो. आपको लगता है कि ऐसे झुकने से ही मिलेगा. अब इनके आगे दिया जगाओ, दीपत्ती करो, तो हमें कुछ प्राप्त होगा. नहीं, तंत्र टीचर्स नो, आप अंदर जाओ. दिस इज द एनर्जी सेंटर, टेम्पल इज द एनर्जी सेंटर. जो भी ओल्ड है, ये नहीं कि अभी जो 50 साल पहले आपके मोहल्ले में बने हैं, आपकी गली में बने हैं, नहीं. जैसे 12 ज्योतिर्लिंग, ये एनर्जी सेंटर्स हैं. इसके अंदर जाओ और उस शिवलिंग के पास जो वाइब्रेशन है, उसकी रेडिएशन है, वहां पर बैठो. तंत्र हमें क्या सिखाता है, आप अंदर जाओ, वहां बैठो
और आप शांत हो जाओ, कुछ मत करो, एब्जॉर्ब करो उस तरंगों को, क्योंकि जो यहां पर चेंजेस आएगा वही चेंजेस बाहर आने वाला है। अभी आप सोचोगे मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, बीमार हूं, 10 दिन बाद आप हो जाओगे, क्योंकि यू क्रिएटिंग द सेम एनर्जी थ्रू योर वर्ड्स। तंत्र टीचिंग अस हाउ टू कनेक्ट विद द एनर्जी, द होल वर्ल्ड इज एनर्जी, चाहे उसको फॉर्म में ले लो चाहे उसको बिना फॉर्म के ले लो। सो दैट्स व्हाई तंत्र क्रिएट डिफरेंस, और इन दिस एरा इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव द राइट नॉलेज की बच्चों को कि ऐसा मत करो, वहां पर जाओ ऐसे करो ऐसे, इवन दे आर नॉट गेटिंग करना क्या है। और हर मंदिर में मूर्ति का अलग है, उनका फेस अलग है, तो कंसंट्रेशन वैसे नहीं बन रहा किस पे करना है। इन एवरी टेम्पल द फेस इज डिफरेंस ऑफ द मूर्तिज द विग्रह, तो वी नीड टू सी दैट हाउ टू गेट दैट एनर्जी फ्रॉम दैट आइडल इनसाइड, क्योंकि उसको रोज एक्टिवेट किया जा रहा है और वही आपके अंदर है। द बॉडी इज नथिंग ना, ये तो एक मूर्ति तो है विद एलिमेंटल, लेकिन इसको एक्टिवेट किसने किया, द रियल तत्व इज समथिंग एल्स जो इसको एक्टिव रख रहा है। जिस दिन ये जाएगा तो अनएक्टिव हो जाओगे, जैसे उसमें प्राण प्रतिष्ठा किया, इसमें भी तो प्राण प्रतिष्ठा हुआ। इन द वॉम्ब बॉडी जनरेट होता है, द सोल केम आउट फ्रॉम आउटसाइड, यू गेटिंग, द सेल द सोल केम आउट फ्रॉम द आउटसाइड। तो तंत्र इज वेरी ऑपोजिट प्रैक्टिस, डू प्रैक्टिकल थिंग्स एंड बाय योर सेल्फ एंड बिकम द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ, बिकम द ब्रह्मा ऑफ योर लाइफ एंड देन बिकम द विष्णु। यू बिकम, यू डोंट नीड टू सी आउटसाइड द ब्रह्मा विष्णु एंड रुद्र एंड देन वन डे यू बिकम द रुद्र। कब कि आई एम डन विद माई क्रिएशन, आई एम डन विद माई मेटलिस्टिक अट्रैक्शन एंड प्लेजर्स एंड नाउ आई एम द रुद्र एंड आई एम गोइंग टू विनाश माई ओल सेंशुअल फिजिकल प्लेजर एंड डिजायर्स एंड देन यू कैन लर्न इन द तंत्र means in that technique. So, one thing that we have often seen that is the Shakti form transforming, while doing the transformation of the Shakti, all are in the Rudra form. It's very, very ferocious. So why Shakti is in a ferocious form in Tantra? That's very important to know, you know, because we are the Shakti Upasakas and it's very important for us and to give the light. And without Shakti is nothing. Even Shiva is nothing without the Shakti. If there is no Shakti, there is no Shiva. So, Shiva Shakti, the Mother Goddess of Parvati, jab unhone, whenever the negativity increase, demon increase, unse fight karne ke liye, you need to be enter in your inner aggression. Fierce form, warrior form. You can say the warrior is the right word. Like a warrior. To fight, to protect. Just like you protect your family, just like you're so calm, you're so a nice person, you never fight with anybody, you never argue. But when someone trying to harm your family or your family member, you become the Rudra automatically. But you are a calm, the Shiva, but you become the Rudra. Now in the form of Shakti, Shakti take unlimited form, you can say. It mentioned, unhone unlimited form liye hain, just like a 10 main Mahavidyas. From starting from the Mahakali and end from the Kamala, all the forms. And there is another more fierceful form is Shakti is Pratingira. Then more fierceful than the Pratingira is Vipit Pratingira. Then more than fierce of the Pratingira, Vipit Pratingira is Ugra Vipit Pratingira. So these are the forms, and then Maha Ugra Vipit Pratingira. These are the categorized of the fierce form of the Shakti. Means no one able to fight with that form in any form of demon. Then 64 yoginis, 64 krityas there. So why she form like this? To fight with the demon. To defeat the demon. Jab aap tantra mein stories ko dekhoge, Purans ki, wo change ho jati hain. How it change in tantra? When you're looking for help in your life, if someone done something wrong with you, in the form of black magic, in the form of negative energy, in the form of demon practice done on you to harm your family. So then you're looking for solution. And where you found the solution only? In the tantra. You cannot found the solution in the devotion. Because what they will tell you, ye hai nahi. There is no spirit, kuch hota nahi hai, black magic nahi hota, ye nahi hota, sab wahi hai, Ishwar hai. हाँ, फिलोसफी में अच्छा लग रहा है,
But if you're having pain in your stomach and you're going to the doctor and telling, I'm suffering from unlimited pain in my stomach right now, and doctor telling you, rather than to giving you the right treatment, but telling you the philosophy, you are a soul, my child. You are not a body. There is no pain. So, what you will do at that time? What you will do at that time? So, when Shakti transformed herself in a fierce form to protect their children, devotees, disciples, and defeat and kill the demons. And Shakti is the power. And Shakti can control any male form also, like a Shiva. She controlled Shiva in the form of Parvati. These are two categorized in Shakti, Vama and Dakshina. Vama is like, and Dakshina is like, jab wife husband ke aage aise baithi ho. That is called Dakshina. And Vama is jiske aage husband aise baitha ho. Vama. Maa Kali ke saamne Shiva is laid down. Wo niche laid gayi. Lekin Mata Parvati is sitting in front of the Shiva like this. So we are worshipping the every tantric, worshipping in the form of Mahakali, if he is practicing Mahakali, Tara, Dhumavati, Chinmasta, Baglamukhi, Matangi, these are the Vama practice. You don't need to see yourself, you are a Vama practitioner. क्योंकि आप उस फॉर्म को प्रैक्टिस कर रहे हो जो कंट्रोल कर रही है मैस्कुलिन डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी को. और वो किन से लड़ रही है? इवन द शक्ति क्रिएट अ फॉर्म नेवर टू डिफीट अ वुमेन इन फ्रंट ऑफ, चाहे वो माँ काली हो, तारा हो, किसी भी फीमेल एनर्जी को डिफीट करने के लिए उन्होंने अवतार नहीं लिया, मेल डीमंस को मारने के लिए लिया है. इफ यू चेक द हिस्ट्री, किसी भी फीमेल एनर्जी को डिफीट करने के लिए नहीं करा. मीन्स शी इज अ वामा एट दैट टाइम. The left hand practice, the Vageshwari, who's sitting on the left, not in the right. So when she created this form to fight between the tantrics, example, you are a practitioner of Mahakali. I am also the practitioner of Mahakali. And because of some ego, or maybe someone came to me for help, or someone came to you for help, so you send the energy to me with the same mantra of Mahakali. And I recognized. Then how we can defeat that? The story is mentioned in that, ki if someone sending the same energy with the same form, so how you can defeat the Mahakali also? It is possible. इसलिए उन्होंने अपने forms को convert, incarnate करना शुरू करा. महाकाली से तारा में, तारा से षोडशी, षोडशी से भुवनेश्वरी, भुवनेश्वरी से भैरवी, भैरवी से धूमावती, छिन्नमस्ता, बगलामुखी, मातंगी, कमला. She just transforming herself in the more fierce form to fight. Only to fight. Just like you do. When you're going to break a coconut, you don't use your unlimited energy. But when you're going to destroy someone who wants to destroy you, you use more energy than the coconut to break. In the same way. Jab aap kisi ko defeat kar rahe ho for the, in fighting in a negative energy, so you use more power. Means the more fierce form of the Shakti. But it's not easy to invoke for everybody. ये नहीं कि आप उसे invoke कर लेंगे. मैंने बता दिया कि ये form है और आप उसको invoke कर लोगे, ऐसा नहीं है. वो जो forms हैं, वो define करते हैं कि for a particular purpose, what frequency we need to use. If you want Mahalakshmi in your life, so you don't need to invoke Mahakali for that. There is a Kamala. Kamala is there. Invoke the Kamala. But the wrong concept is, अभी वो advertisement चलता रहता है पूजास का. सोशल मीडिया पे ऑन द ऑस्पिशियस डेज अकॉर्डिंग टू हिंदू कैलेंडर. तो वो क्या करते हैं कि वार आई कैन डू एवरीथिंग, वार आई कैन फिक्स योर फाइनेंशियल प्रॉब्लम, वार आई कैन फिक्स योर पितर दोषास, वार आई कैन डू दिस. शी कैन, बट वाई आई नीड टू इन्वोक हर? शी इज अ वेरी फियर्स फॉर्म. मुझे उसे इन्वोक क्यों करना है? मुझे छोटा सा काम कराना है. जस्ट लाइक एग्जाम्पल, इफ यू वॉन्ट टू कट द वेजिटेबल इन योर किचन, डू यू थिंक यू नीड अ सॉर्ड फॉर दैट? You don't, you just need a knife. आप sword क्यों ला रहे हो काटने के लिए? तो the form is changing to just protect you and show the power. Herself also showing the power, who I am. In some idols,
when I visit in some tantric temples, even people don't not aware about the tantric temples exist in India. Even they don't know the difference between the tantric temples and the normal temples. Even they don't have this knowledge also, where they need to practice. So in some temple, when I visit, when I see the vigraha, so when I see the face tells me everything. Ki ye kya form hai? Ye shakti ka kaun sa form hai? Because the face tells the expressions. Body ka sirf face hai jo aapka expression bata tha. Are you angry? Are you happy? Are you sad? The face tells in which expression you are. So in some tantrics, temples are exist. So in that, when you see the idol, and the eyes especially, you can see the which particular expression and transformation she has. Okay. It is possible. In some temple of Mahakali, Mahakali practicing by their devotees as a Lakshmi, not Mahakali. Yeah. So it depends. Just like a Mahakali start and Kamala. The old forms transformed by the Parvati. Na? So all the root is Parvati. Ends in the Kamala. But when you're going to the Pratindra and there is unlimited powers with her and 7 lakhs Mahavidyas, you know, walk together with the Pratindra. So that's why she incarnate herself. And there is a more depth in this. In our next, you know, when we make the next episode on the 10 Mahavidyas, then I will give you the depth about it and the stories and how to fight with that and how the tantrics fight together. You saw also in the movies, in the Puranas, you know, the tantrics are fighting with their powers. That is... they need to understand about the 10 Mahavidyas. Or aajkal to one of my students was telling me someone is teaching in 20,001 rupees 10 Mahavidyas. 21,000 rupees mein aap 10 Mahavidyas seekh lo. So I was so surprised ki I spent almost my 14 years and I'm just practicing only Mahakali. I can't, you know, activate other shaktis of the form. It is not possible because it's different concept. Yeah, lot of things are available in market. No, that is the commercial tantra, you can say. The right word is the commercial tantra. And people selling, you know, one day siddhi of Apsara, one day siddhi of Jinn, and you know. See, one point, it's a very personal question. In the current, you know, materialistic world, what I have observed in my surrounding, that, you know, there are people who are married, and children, parents are the well settled, you know, good job, both husband and wife is working, wife are working. Materialistically, per se, there is no problem. But they are not happy with the life. Most of the people are like that. They suffer from anxiety, they suffer from depression, they suffer from some of the other problems which keep on coming up in their life. Maybe if you take 10 people out of, you know, if you consider 10 people around, almost 9 would be unhappy with some or the other. They would be having all the materialistic, you know. All the benefits, all the comfort, they have it. But they are not happy. Yes, why is it happening? You know, there is a lot of reason behind that. I will give you some that I saw during my, you know, healing journey of peoples. The sum I will give you. You know, in this era where we are more focused on the materialistic things, and nothing is wrong in it. I never say it is wrong. It is needed to survive yourself in your life. But the thing is, why they are so unhappy? So I'm just giving you examples, you know, what could be the reason? The reason is could be the astrological, you know, the things are not well. Kuch astrological issue hain. Second, karmic issues hain. Third, where they are living. The most important I found, nowadays there is a flat systems. People are living in individual flats. They don't have a rooted house. I found in that, when they start living in their flats, because they don't know, they're just buying, you know, 7th floor, 8th floor, 9th floor nowadays. And when they're living in those kind of flats, there is a invisible entities always with them. Invisible entities in a spirit's way. Because you don't know. कि वो लैंड किस पे बना है एंड मोस्टली लैंड अकॉर्डिंग टू माय रिसर्च बिल्ड ऑन द ग्रेवयार्ड्स मोस्टली हॉस्पिटल्स फ्लैट्स दे बिल्ड ऑन द ग्रेवयार्ड्स और इवन दे डोंट नो द भूमि पूजन कि उसका पूजन कैसे करना है उसको कैसे करना चाहिए और आपने तो 7th फ्लोर का फ्लैट ले लिया इवन यू डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग कि आपके नीचे वाले फ्लैट में क्या हो रहा है ऊपर के फ्लैट में क्या हो रहा है और कौन रह रहा है
the people are living with the different religions and communities, and they are doing different practices also, secret practices, superficial practices also they are doing according to their communities and religions. So you don't know from where you getting that negative energy in your house, and that affecting you. Ho sakta if your neighbor is practicing wrong, and because of that you getting their energy, because you are pure, and that's why you attracting more that energy in your house, in your place. And also you experience in life also, in your flat also sometimes some, you know, entities roaming around. Aur aapke upar wale flat mein bhi kabhi wo dance karte rehte hain, sound aata rehta hai unka kuch, because you don't know what they are doing, and that's why they are suffering, and it affects their mental peace. But jab mental peace when you affected, your whole life disturbed, family life, business life, social life automatically disturbed. So we need a purification and we need a help of tantra. In my life I had lots of cases like this, the paranormal activity cases. Karmic reason to alag hai hi hai, astrological reason to hai hi hai, iske sath vastu reason jo hai ki when they are building something, they are not because of the money, they don't want to spend, they don't want to give the money to the vastu expert ki kaun sa cheez kahan hona chahiye kahan nahi hona chahiye, and that affects in our life, the energy effects basically. And that's why you see the temple unka vastu perfect rehta hai, aur jiska nahi rehta is temple ka, when you enter in that temple you will feel very heavy energy. But when you entering in the right place of the temple, in someone house, you will see very pleasant energies coming to you because of that aura in that place. It affects on the temple also, churches also, mosque also, everywhere. Kyunki aajkal to you can build a temple on the road, तो वो सब सिस्टम उसकी वजह से जो डिस्टर्बेंस हो गया है लाइफ में, एंड पीपल आर सफरिंग. एंड द फोर्थ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आई वांट टू मेंशन इन दिस, बिकॉज़ समवन आस्किंग मी अ फ्यू डेज बैक, वन ऑफ माय स्टूडेंट ही वाज आस्किंग मी कैन आई चैंट द मंत्र ऑफ षोडशी मंत्र आफ्टर सेक्स, एंड इट वॉज अ रियली स्ट्रेंज क्वेश्चन फॉर मी, सो यू नो, बट द क्वेश्चन इज क्वेश्चन एंड देयर इज आंसर बिहाइंड. सो ही वॉज आस्किंग मी, सर कैन आई चैंट द षोडशी मंत्र आफ्टर सेक्स, and I said I will make a video on this to give the light why you can or why you can't. Like there's a invisible entities always around you, always. It depends how much aura you're powerful. It could be positive entities or negative entities. When you in your house, when you eating non-veg, drinking alcohol, some drugs in your house, automatically with the fragrance and smell of that thing, you attracting those entities who attract, who like automatically. If you see the ghoris, unka lifestyle kaisa rehta hai, kyunki unko unhi ko bulana hai, waisa lifestyle, waisa khana, waisa peena, waise rehna, because they want to invite them to come to talk with me, because they want something with the spirits. Or in a opposite, if you doing the physical intimacy in that room where you eating non veg, drinking and doing the intimacy, so your deity will not stay there in that place. Why? Because his need is something else, उसका जरूरत कुछ और है जिसको आप बुला रहे हो. इफ यू इनवाइटिंग मी एंड आई एम अ प्योर वेजिटेरियन पर्सन एंड यू नो दैट, जस्ट लाइक यू नो मी फ्रॉम इयर्स एग्जांपल, एंड यू इनवाइटिंग मी इन योर हाउस, बट एंड यू नो मी आई एम प्योर वेजिटेरियन, आई एम वेगन, आई डोंट ईट दिस थिंग, इवन आई डोंट टच, आई डोंट सी, बट इन फ्रंट ऑफ यू यू ऑफरिंग मी ऑल ऑपोजिट थिंग्स, सो हाउ आई विल रिएक्ट? आई विल रिएक्ट सो बैडली टू यू. द सेम थिंग हैपेंड इन एवरीवन्स हाउस एंड आई सो, बिकॉज दे आर समटाइम चार लोग हैं घर में, एक तो समझ रहा है, तीन नहीं समझ रहे, वो कह रहा है कि ये मत करो, लेकिन वो कह रहा है हम करेंगे, तो उसका कर्म है अभी वो क्लियर करेगा, एंड दैट्स व्हाई दे आर सफरिंग एंड दे आर अटैच विद लॉट्स ऑफ एंटिटीज, इवन दे बिलीव इट और नॉट, इट इज पॉसिबल, बिकॉज आई सो ड्यूरिंग माई पैरानॉर्मल हीलिंग्स. नाउ आई डोंट डू मच, बट आई डन इन माई लाइफ अलॉट, सो आई सो देम हाउ मच दे आर बैडली सफरिंग इन देयर लाइफ, एंड दे आर इन्वाइटिंग uninvited guests, you can say they are uninvited guests, and they are coming automatically because of your karmic astrological geometry of your house and the lifestyle of your house. If you can fix these five things, you can change your life in a better way, and only tantra can help you, only the tantric practices can help you, only the expert, agar wo expert hai use aata hai wo. So you saw during our journey there is a man and usko nikalna, he was not expert, उसने जाके उसको छेड़ दिया, अब वो एक्टिव हो गया स्पिरिट, अब वो भाग गया वहां से, अब वो एक्सपर्ट नहीं था, अब उसको आपने
When you're going to fix someone's life, तो आपको कन्फर्म होना चाहिए कि मैं इसको ठीक कर सकता हूँ. आपने वो स्पिरिट था, वो सो रहा था, अच्छा खासा शेर सो रहा था, आपने उसको जगा दिया, अब आपको पता नहीं इसका क्या करना है, तो आप वो भाग गए आप वहां से. तो पीपल आर ऑल्सो सफरिंग एंड पीपल आर मेकिंग मनी ऑल्सो ऑन दिस नेम, यू नो, इन देयर लाइफ. एंड दैट इज अ रीजन ऑफ पीपल आर सफरिंग. 90% पीपल आर सफरिंग बिकॉज ऑफ दीज फाइव रीजन इन देयर लाइफ. एंड आफ्टर इफ दे लिसन दिस वीडियो, सो दे विल अंडरस्टैंड, डेफिनेटली दे विल रेजोनेट एंड कनेक्टेड. यस, the person is saying right, and we have these five reasons: astrological, karmic, the geometry of the house that you're having, the lifestyle that you're carrying, and the practice that you're doing, the five, or around you also, because now you can't fix the root, because aap to seventh floor pe rehte ho, to root pe fix to nahi kar sakte, aur us jagah pe kya kya ho raha hai, even you can't fix. You can increase your own aura, the energy of your house, the energy of your body and mind, then you can protect and creating a protection shield around. And for need, you need an expert for this. ऐसा नहीं कि कोई आया और कुछ करके गया, एक्सपेरिमेंट, वो आप पे एक्सपेरिमेंट कर रहा है, ऐसा नहीं. वो मास्टर होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि ये काम ऐसे होगा इफ यू डू, और वो कुछ रूल्स बताएगा. ऐसा नहीं कि आप कुछ भी करते रहो ऐसा ओरा बढ़ जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता. यू नीड टू फॉलो सम रूल्स. अगर आप कंट्री भी चेंज करते हो, सिटी चेंज करते हो, तो रूल चेंज हो जाते हैं. सो यू हैव टू फॉलो दैट सिटी रूल, कंट्री रूल, देन यू कैन लिव इजिली देयर. द सेम थिंग इन द तंत्र. इफ यू फॉलोइंग द तंत्र, यू हैव टू फॉलो सम रूल्स एंड टू फिक्स योर लाइफ. That people are suffering, and you need to need some help of Ayurveda rather than the chemical things. The sixth, correct. I want to add, that will also help. It's very niche. So you spoke about that, the paranormal stuff. Now, of late, we can see a lot of videos around, you know, the ghost stories and the paranormal, like the experts who's talking about it. There's a lot of stories around it sometimes, and sometimes they are talking about their real life experiences. So, do you have any stories that you can share with the viewers? You know, I'm not talking about any space. You don't have to get into the specifics, but at least you know, what was the experience and how that encounter and how they have, you know, come out of it and they cured. Just whatever you can reveal. I'll give you, you know, in my during this journey, I had a lot of encounters of other entities. Sometimes I invite them. Sometimes it's the random encounters in my life. And during the paranormal you're talking about, and I, there is a lady, you know, I want to share a short story. She was young, maybe 32 years old, and she get married. But before her marriage, she get attached in her village with a male spirit. She attract because of some reason. She was there near to the tree. Her hair was open. She using fragrance at that time. And that spirit, the male spirit, attracted towards her. And he attached. Because she was not that pure, so he is able to control. And he entered in her body. So she started behaving differently, but family didn't recognize. They were thinking because she's so young and that's why it's happening. And after a long year, maybe after 8 years, when she get married and the energy become more active in her body, and she start behaving completely differently, like a devil. And she's changing her hand like this. The eyes are coming out. The you know, the speaking. The, when she speaks, the voice change. And these start things happening in her house. So one day, she was enjoying the Christmas party in her workplace, and she was drinking and eating non-veg there, and everybody was enjoying. But instant at 12 o'clock, she behave differently, and everyone start noticing it's not effect of alcohol, it's something else. So they take her to her house, and she start fighting with the mother-in-law, she start fighting with the husband, and everybody not able to control her. Even the 10 people was there, they are not able to hold her. She's so skinny, but she becomes so powerful because of that entity. So they was so in fear. And they start looking for the solution, what to do, because they never saw like this in their life, and what is that and how it's reacting. So they go to some tantrics, so-called tantrics. So wo ghar aaye, unhone kaha ki she attached with this before meeting me, I'm telling. So unhone kuch kiya and nothing happened. Then they came to me and I saw, and I said ki it's very difficult to take her out because uska shaadi ho gaya hai ab uske saath, fera ho gaya. अब वो पक्का हो गया. एंड वी नीड टू फॉलो सम रूल्स. इफ यू फॉलो देन आई कैन हेल्प टू टेक हर आउट. सो शी वाज ऑनलाइन जस्ट लाइक यू सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी. एंड आई सेड आई एम गोइंग टू कॉल हिम.
you will not speak. Even I was not speaking something. I was just seeing her, and I start chanting the mantra. When I start chanting the mantra, and I tell to my Shakti to call her, call him right now. And in a friction of second, he enters in her body and starts talking with me in a abusive way. I will not go from out from her body. She's my wife, and now you cannot take me out. And whatever you can do, you don't know my power. And you know, it's talking like this. And I was just smiling and chanting my mantra. And I said, okay, on this day, I will come and I will take you out. If you have more peoples, more spirits, call them on that day. I will make them also salvated. You all going to be salvated now. So I go. It was a Saturday, the new moon day. I was waiting for especially the Saturday new moon to perform that practice. And I take her to the cremation with the family. Acceptance. And the father was there, her mother was there, and the brother was there. And I said, you don't need to be worried, just see what's going to be happen here, and I'm going to fix this. And it was a pure tantric practice where we perform in the cremation ground. So then I call him again in the cremation, and he came. He said, whatever you can do, I will not go. And even they are, I said, you don't need to hold. In the tantra, there is a practice called Hanuman Janjira. I don't know people are aware or not nowadays about this, and Bhairav Janjira. Janjira means the handcraft. So when you get the siddhi of that mantra, and if someone is suffering from the paranormal activity, the spirit inside the body, and they are not, and people are not able to control them, through that mantra, when we chanting and transferring that energy, so the energetical handcraft like this, and they are not able to do anything. So I said, you don't need to hold. I am here to do all the stuffs. अब मुझे काम ही नहीं आता तो मैं बोलूंगा 10 आदमियों को पकड़ो उसको क्योंकि तुम्हें काम नहीं आता. हाथ बांध दिए उसके. एंड नाउ वो बोलने लगा कि मेरे हाथ क्यों बांधे हैं. मैंने कहा किसने भेजा है, मेरे को सच सच बताएगा तो मैं छोड़ दूंगा, अगर गलत करेगा तो फिर मैं अभी यहाँ पर तेरे को पिटाई होने वाला है बहुत तगड़ा. तो आई स्टार्ट, मैंने कहा देखो द फैमिली सिटिंग, तो कैसे आया. सो ही टोल्ड मी द स्टोरी कि शी वॉज सो यंग एट दैट टाइम, एंड शी वॉज नियर टू द ट्री, एंड आई वॉज सिटिंग देयर, एंड शी वॉज सो ब्यूटीफुल एट दैट टाइम, एंड आई गॉट अट्रैक्टेड. Or I enter in her body. People didn't recognize, and after marriage I start leaving, and he was doing the rape continuously every night, but she's not able to understand, and she was suffering continuously from the vaginal infection. Okay. Loss of vaginal infections, and even doctors are not able to examine what is the reason after so many tests. But he was transferring the wrong energy through the rape. It is possible in the spirit's way, or he was doing daily rape to her. Even he tried to conceive a baby, but he was not able to do that, and that is also possible. Okay. In the spirit world, yes, it is possible. I saw lots of time in my life, the spirits can conceive baby also without any physical help. They can do that, and I saw in my life. So uske baad wo rakshas hi paida hota hai, usme rakshas ka hi bachcha hoga, same energy lekar aata hai wo. So I saw in my life. Maybe people will be not aware, wo sochenge kuch alag si cheez, pata lag raha hai. But it is possible in that, and I saw, because I saw in my journey. So jab wo baby aata hai to wo bilkul rakshas hota hai. Then I done the kriya, and it takes me 4 days. Ye itni jaldi khatam hone wala kaam nahi hai ki in a one day koi telling, sometime telling you. It takes me 4 days continuously to do the stuff there, and then 40 days of restrictions after that. I tell them to follow. Usko roz aana padega on that point. And I will purify, and I will give something, so she need to take it and take that energy out, because abhi uska essence uske andar hai, usko to nikal diya, lekin wo essence, jaise sometime you take out the poison, but thoda reh jata hai, wo dheere dheere heal hota hai, even after cleaning your stomach. So it was inside her, and it was very powerful. He was not alone, he was with more 4 spirits, male spirits, and they are also enjoying and, you know, doing the bad stuff with her. Even her husband also was, you know, but her husband was so nice, he was so supportive, he never leave her. So that's why we are able to fix the things, and we do some special practices that we do in the cremation for a long time, that I can't disclose right now here, on those practices what we perform, what kind of a ritual we perform. Then she starts coming out slowly from that trauma of 12 years of trauma that she was carrying inside, and after 45 days she start curing her vaginal infection also. And then she go to the doctor, and doctor was surprised, nothing is there for the examine, because he was doing something. And it happens especially mostly with the women's. The male attracts by the women, and women's spirits attract by the males. It's just a small encounter I told you, and I saw incredible cases.
incredible cases, 10 spirits in the one body, 20 spirits in the one body, hundreds around the one body. And I saw, and it's so painful. It's not an easy work. If you think you can do after learning some practices of Mahakali, then you can start doing. No, it can destroy you, destroy your life permanently, because you don't know how to handle those spirits and how to control them, because you need to learn to protection. Nowadays, people are doing this stuff and they are suffering lots of physical diseases and mental diseases in their life, and big, big mental diseases. So this was the small encounter with that girl. But now she's happy and she has 2 babies right now. And the life is very happy with her, the husband. And she used to text me sometime, we call, and she gets some guidance from me too for the protection that I do. But this kind of, the encounters happen in people's life. Today's discussion was very deep. I think if we continue this, then, you know, maybe viewers will not be able to gather this information. So what we will do that is, next time we will try to touch upon only one subject. Probably, you know, only the spirit encounters and different aspects of it. How we can get protection from them for the day. And we'll try to give some remedies also, how to protect them. This time we didn't mention because the video would be so long. So next time when we do some, so we'll start giving, you know, with the help. Yes. And that is the purpose, to help people, the small remedies they can do on a daily life, they can add in their life, so they can protect, they can get some protection and they can increase their aura also. Thank you so much. Thank you so much for your time. So we connect for the next podcast. Definitely. Om Kali. Om Kali.